फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। क्या ब्रेस्ट पंप की नई माँ को जरूरत होती है? क्या ब्रेस्ट पंप ये कंपलसरी शॉपिंग लिस्ट का हिस्सा है? एग्जैक्टली ब्रेस्ट पंप कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए और ब्रेस्ट पंप सिलेक्ट करते वक्त उसमें कौन से फीचर्स हम लोग को चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। आई एम श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। मैं हॉस्पिटल्स में काम करती हूँ एज ए लैक्टेशन कंसल्टेंट पिछले 7 सालों से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, स्पेशली लवलैब के अडोर मैनुअल ब्रेस्ट पंप और लवलैब के अडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के फीचर्स को भी जानेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, ताकि आप लोग को ये समझ में आए कि कोई भी नया ब्रेस्ट पंप जब भी आप लोग सिलेक्ट करते हो तो कौन से फीचर्स आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। ब्रेस्ट पंप की ज़रूरत एग्जैक्टली कौन सी मम्मा को होती है? एक, जिस माँ और बच्चे में सेपरेशन है, माइट बी किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से मम्मा को दूध एक्सप्रेस करके बच्चे को भेजना पड़ रहा है, तो फिर उसको ब्रेस्ट पंप का ज़रूरत पड़ सकता है। अगर किसी वजह से माँ को मिल्क सप्लाई अभी तक इनिशिएट नहीं हुआ है तो ब्रेस्ट पंप आपको हेल्प करेगा। अगर आपके पास ओवर सप्लाई है, ब्रेस्ट एंगॉर्ज हो रहा है जिससे आपको दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है, टाइटनेस हो रहा है, आप एक्सेस मिल्क को एक्सप्रेस करके थ्रो कर सकते हो। अगर आपको लगता है मिल्क सप्लाई है लेकिन आप उसको बढ़ाने के लिए ब्रेस्ट को एक्स्ट्रा स्टिम्युलेट करना चाहते हो तो आपको ब्रेस्ट पंप 100% हेल्प करेगा। अब आता है क्वेश्चन, मैनुअल ब्रेस्ट पंप या इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप? याद रखो, मैनुअल ब्रेस्ट पंप उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जिनको कम ड्यूरेशन के लिए और कम फ्रीक्वेंसी के लिए ब्रेस्ट पंप यूज़ करना है। माइट बी शुरुआत के 4-5 दिन में आपको यूज़ करना है, या माइट बी पूरे दिन में 1 या 2 बार आपको यूज़ करना है, तो इन्वेस्टिंग इनटू मैनुअल ब्रेस्ट पंप इज़ वेरी वेरी इजी। अगर आपका यूज़ बहुत ज़्यादा है, आपको ज़्यादा ऑफन पंपिंग सेशन करना है, माइट बी आपके ट्विंस है, या माइट बी आपको काम के लिए, मतलब आप वर्किंग मदर और आपको बाहर जाना है, या माइट बी आपके बच्चे की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है और आपको ज़्यादा ऑफन ब्रेस्ट पंप यूज़ करना है, तो फिर आपको इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में इन्वेस्ट करना इज़ ऑलवेज बेटर। चलिए अब कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। ब्रेस्ट पंपिंग करने के 2 बहुत मेजर चीज़ें हैं। ब्रेस्ट पंपिंग ये सही समय और सही वे में होना चाहिए, तभी वो आपको हेल्प करता है। ब्रेस्ट पंपिंग करते समय ईदर ऑफ द ब्रेस्ट पंप से आपका बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स होना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट को थोड़ा सा वार्म करके अगर पंपिंग करोगे तो किसी भी ब्रेस्ट पंप से आपका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। प्रिफरेबली आप लोग जो भी ब्रेस्ट पंप सिलेक्ट करोगे उसमें ब्रेस्ट स्टिम्युलेशन और फिर ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज होनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को समझ लोगे तो ब्रेस्ट पंप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैनुअल ब्रेस्ट पंप के बारे में। चलिए लवलैब के अडोर मैनुअल ब्रेस्ट पंप की हेल्प से आपको मैनुअल ब्रेस्ट पंप की चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। मैनुअल ब्रेस्ट पंप में आपको कुछ चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या उसका हैंडल अर्गोनॉमिकली राइट है? अर्गोनॉमिकली राइट मतलब जैसे कि लवलैब के मैनुअल ब्रेस्ट पंप का है, अर्गोनॉमिकली राइट मतलब ये आप बहुत कंफर्टेबली पंपिंग सेशन कर पाओगे, तो ये आपके लिए हैंडलिंग के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका ये जो स्टार्टिंग का सिलिकॉन कुशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके ब्रेस्ट को बहुत अच्छे से स्टिम्युलेट करता है, फ्लो स्टार्ट करता है और फिर एक्सप्रेशन में भी हेल्प कर सकता है। एंड लास्ट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट, ये ब्रेस्ट को हर्ट नहीं होने देता। सो बहुत कंफर्टेबली आप सिटिंग पोजिशन में मेक को एक्सप्रेस कर सकते हो। चलिए देखते हैं। ये बहुत ईजी है असेंबल करने के लिए, बहुत ईजी है। आप लोग एक बार आपके पोजिशन में बैठ गए फिर आप लोग इसको एडजस्ट कर लो एंड जस्ट गो फॉर इट। ये बहुत अच्छे से ब्रेस्ट को पहले स्टिम्युलेट करता है और फिर दूध को एक्सप्रेस करेगा। सो इट्स एक्सट्रीमली इफेक्टिव। इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा आसान है। आप इसको स्टरिलाइजर में गर्म पानी से नॉर्मली, अब जिस वे में बच्चों की चीज़ें क्लीन करते हो उसे इसको क्लीन कर सकते हो। इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा सेफ है बिकॉज दिस कम्प्लीटली BPA फ्री। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के बारे में। अडोर का इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका टच LED स्क्रीन जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है ऑपरेट करने के लिए। पहले मैं आपको इसके कुछ वंडरफुल सी चीज़ें बता दूं। इसका चार्जिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप इसको कार में, आप इसको ऑन द गो, इसके साथ आपको कॉर्ड भी मिलता है वो यूज़ करके आप इसको इजीली चार्ज कर सकते हो। उसके साथ इसको बैटरी बैकअप है करीब 2 घंटे का, जो भी आप लोगों को अगर एक बार चार्ज कर लिया तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसमें आपको बेसिकली 2 मोड आता है। दिस इज स्टिम्युलेशन मोड, जब भी आपको हार्ट दिखता है स्टिम्युलेशन मोड में आपके पास 9 लेवल तक आप इसको बढ़ा सकते हो।
और उसी के साथ आप इसको कम भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट लेवल। एक बार स्टिमुलेशन हो गया, आपको लगता है मिल्क एक्सप्रेशन शुरू हो गया, फिर आप इसको एक्सप्रेशन मोड पे शिफ्ट कर दो, और एक्सप्रेशन मोड में भी आपके पास 9 लेवल्स तक आप इसका पावर बढ़ा सकते हो। और एक इसका अच्छा चीज़ क्या है पता है, सपोज ये आज मैंने सेट कर दिया कि मुझे इसका जो स्टिमुलेशन है वो लेवल 5 पे चाहिए और मुझे इसका जो एक्सप्रेशन है वो लेवल 6 पे चाहिए, और मैंने इसको आज यूज़ करके बंद कर दिया, कल जब भी मैं इसको यूज़ करूँगी तो इट हैज़ अ मेमोरी, ये मेरे सेटिंग को याद रखता है और मेरे हिसाब से फिर इसको ये ऑपरेट करेगा। ये देखो ये चालू हो गया। श्रेया एग्जैक्टली स्टिम्युलेशन मोड और एक्सप्रेशन मोड में क्या फ़र्क होता है? स्टिम्युलेशन मोड में ब्रेस्ट का ये जो आगे का सॉफ्ट पार्ट है जो बेसिकली आपके ब्रेस्ट को मसाज करने का काम करता है, ये मसाज करने के बाद लेट डाउन मतलब मिल्क फ्लो शुरू करता है और उसके बाद एक्सप्रेशन शुरू होगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आई शो यू राइट। तो आपको ये डिवाइस मिलता है, आपको ये बॉटल मिलता है, उसके साथ इसको असेंबल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप यहाँ पे पाइप डाल दो। अब मुझे आप लोग को ये दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। अभी आप देख पा रहे हो ये हार्ट है, मतलब ये स्टिम्युलेशन मोड पर है। तो ये देखो, इट्स अ जेंटल मसाज जो ब्रेस्ट पे मसाज करके मिल्क फ्लो इनिशिएट करेगा, मतलब लेट डाउन करेगा। जैसे ही मैं इसका मोड चेंज कर दूंगी, सो आई जस्ट चेंज इट्स मोड टू एक्सप्रेशन। ये देखो, डीप लॉन्ग सक्स, ये बहुत अच्छे से लेट डाउन होने के बाद मिल्क को एक्सप्रेस होने में हेल्प करेगा। डिपेंडिंग ऑन द मदर्स कम्फर्ट, कई बार मदर को स्टिम्युलेशन मोड, एक्सप्रेशन मोड, फिर वापस कुछ देर के बाद अगर आपको लगता है दूध नहीं आता है तो आपको वापस एक बार स्टिम्युलेशन मोड और एक्सप्रेशन मोड, इसे शिफ्ट करना भी पड़ सकता है। इसमें एंटी बैक फ्लो है, मतलब दूध जब भी यहाँ से आता है तभी वो डायरेक्ट बॉटल में जाएगा, वो रिवर्स वापस पाइप से इलेक्ट्रिक डिवाइस की तरफ नहीं जाएगा, तो डिवाइस खराब होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। इट्स नॉट क्लोज पंपिंग सिस्टम, तो इसमें जो दूध है वो कंटामिनेट होने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है। ये BPA फ्री है, इसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा आसान है, असेंबल करना बहुत ज़्यादा आसान है। इसके साथ आप लोगों को और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है कि ये 2 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ आता है, तो आप इसको बहुत इजीली कैरी कर सकते हो। और एक लास्ट चीज़ जो इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप को ज़्यादा बेनिफिशियल है, अगर आप आपका पंपिंग सेशन कर रहे हो तो आप इसको एक बार लगा दो, आपके सेटिंग को सेट कर दो और आप आपका काम कंटिन्यू कर सकते हो, आप जिस किसी फ्लो में आपका काम कर। तो थैंक यू सो मच पेरेंट्स ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। आई नो ये वीडियो आपको 100% हेल्प करेगा कुछ चीज़ें जानने के लिए, एग्जैक्टली मोड कौन से होता है, कौन सा ब्रेस्ट पंप सिलेक्ट करना चाहिए और एग्जैक्टली हम लोग उसको कैसे यूज कर सकते हैं। जिन जिन लोगों को लवलैब के अडोर इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप या मैनुअल ब्रेस्ट पंप में इन्वेस्ट करना है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ज़रूर चेक करना। बट एक चीज़ याद रखना, आप खुद वाइज हो इसीलिए फीचर्स को चेक करो और फिर डिसीजन लेना कौन सा ब्रेस्ट पंप आपके लिए सही है। पर्सनली इन दोनों के ही फीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, दैट्स वाई जस्ट थॉट आई शेयर द फीचर्स विथ यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, बेल आइकन को हिट करना और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताना क्या आपको ये वीडियो पसंद आया। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।